सो गाइस ये आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाची आरटीआर 164 बी का आपका टोटली न्यू कलर, जो कि आप हमारे सामने लाइटनिंग ब्लू कलर में देख सकते हैं, जिसमें कि अब आपको डुअल चैनल एबीएस का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, मतलब कि पुराने वाले से इसमें आपको प्राइस कितना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है, साथ साथ इस गाड़ी में आपको टॉप स्पीड कितना का मिल जाएगा, इस गाड़ी से आप माइलेज कितना का निकाल सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए तो यहाँ से इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन देख पाएंगे, जो कि आपको एग्रेसिव देखने को मिलता है। जैसे आप की को ऑन करते हैं ये आप इसका डीआरएल लाइट देख पाएंगे, जो कि आपको जिगजैग पैटर्न में देखने को मिल जाता है, फुल्ली आपको एलईडी में ही दिया गया है। और साथ साथ ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लो बीम और आपको हाई बीम दोनों का ही लाइट मिल जाता है। अफकोर्स आपको इल्यूमिनेशन का जो थ्रो मिलता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। साइड पट्टी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का टच भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके टोटली न्यू कलर में दिया गया है। साथ साथ इसका आप इंडिकेटर देखेंगे जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको हजार लाइट का पॉइंट देखेंगे जो कि अभी भी इसमें आपको मिसिंग देखने को मिल जाता है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख पाएंगे, जो कि हल्के से पतले दिए गए बट छोटे मोटे गड्ढे आपके इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे साइड में देखिए हल्का सा आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए भी जगह दिया गया है। आप इसका मडगार्ड देखेंगे जो कि आपको टोटली ब्लू कलर में दिया गया है, जिसे कंपनी नाम देती है लाइटनिंग ब्लू कलर। साथ साथ आपको यहाँ पे देखें तो टीवीएस रेसिंग का भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है, ये आपको टोटली मैट कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो आपको एबीएस का स्टिकर मिल जाएगा, जहाँ की आपको डुअल चैनल एबीएस भी दिया गया है। साथ साथ आपको यहाँ पे आरएलपी सेंसर के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे इसका डिस्क देखेंगे, जो की आपको 270 mm का दिया गया है। आपको पेटल डिजाइन में डिस्क दिया गया है और बीच बीच में आपको यहाँ पे होल भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हीट डिसिपेशन अच्छा मिलता है और ब्रेकिंग का जो क्वालिटी है वो आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। टायर की ओर देखा जाए तो फ्रंट टायर आपको 90/90 सेक्शन के देखने को मिलेंगे, हल्के से आपको पतले टायर दिए गए बट ये जो टायर है जो कि आपको टीवीएस कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 17 इंचेस के आपको एलॉय व्हील दिए गए, जो कि आपको टोटली रेड कलर में ही दिया गया है। जब गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो यहाँ से इस गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, साइड से भी आपको प्रीमियम फील होने वाला है। और ये आप इसका टैंक देखेंगे जो कि आपको मस्कुलर दिया गया है, 12 लीटर का इसमें आपको टैंक कैपेसिटी दिया गया है। और ए पार्ट आप देखेंगे जो कि आपको टोटली फाइबर के साथ ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो आपको हॉर्स का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको सैटिन फ्रिंज के साथ दिया गया है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर के स्टिकर मिलेंगे, ब्लैक कलर के आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए और यहाँ पे आपको फेक एलिमेंट्स के लिए आपको जगह दिया गया है। और बीच वाला आप यहाँ पे इसका पट्टी देखेंगे जो की आपको टोटली व्हाइट कलर में ही देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए। और ये जो गाड़ी है जो की आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। फ्यूल कैप आपको हल्के से साइड में देखने को मिलेंगे। सीट की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस सीट दिया गया, ना ही आपको राइडर को बैठने में प्रॉब्लम होने वाला है और ना ही आपको पिलियन को बैठने में प्रॉब्लम होने वाला है। और इसके अंदर जो कुशन दिया गया ये भी आप चेक करेंगे, जो कि आपको अच्छे खासे में मिलते हैं। और यहाँ पे आपको हल्के से रेड कलर के आपको टच देखने को मिलेंगे। सीट काउल की ओर देखेंगे ये भी पार्ट आपको टोटली फाइबर के साथ दिया गया और यहाँ पे भी आपको टोटली ब्लू कलर के यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको आरटीआर 164 बी का भी आपको स्टिकर मिल जाता है। नीचे की ओर आएंगे तो आप इसका साइड पैनल देखेंगे जो कि आपको मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। साथ साथ आपको यहाँ पे अपाची का आपको स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा। इधर आप इंजन की ओर आएंगे, इंजन आपको टोटली ब्लैक कलर में दिए गए, यहाँ पे आपको टीवीएस को भी मेंशन किया गया है। आपको क्रैश गार्ड का ऑप्शन पहले से ही मिल जाता है। इंजन के जस्ट नीचे देखे तो यहाँ पे आपको इंजन काउल मिलेंगे, ये भी आपको ब्लू कलर में दिए गए। और यहाँ पे आपको हाइपर एज का भी आपको स्टिकर देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में जो आपको इंजन दिया गया है जो कि आपको 159.7 सीसी का देखने को मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ दिया गया है, जो कि आपको ऑयल कूलिंग को सपोर्ट करने वाली है। इस गाड़ी से आप माइलेज अप्रॉक्स देखा जाए तो 45 किलोमीटर पर लीटर का आप माइलेज आराम से निकाल पाएंगे। वैसे इस गाड़ी का मैंने माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है, तो वो वीडियो आप हमारे ही चैनल पर जाके देख पाएंगे। और इसका जो टॉप स्पीड है जो कि आपको लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के इसमें आपको टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। और ए गाड़ी का जो इंजन है जो कि आपको 17.03 पीएस का पावर देने वाली है और साथ साथ आपको 14.73 न्यूटन मीटर का ए गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है, मतलब कि आपको पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। कहीं से भी आपको पावर एंड टॉर्क में लैग नहीं देखने को मिलेगा। इसके रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे, आपको मोटा सा एग्जॉस्ट दिया गया है। आगे चल के इसका मैं आपको साउंड को भी चेकआउट कराने वाला हूँ। और यहाँ पे आप सबसे पहले इसका बड़े बदलाव की ओर देखेंगे, जो कि रियर में आपको 200 mm का आपको डिस्क दिया गया है। साथ साथ आप यहाँ पे देखिए आपको एबीएस के भी आपको अब आपको यहाँ पे प्लेट देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें अब आपको डुअल चैनल एबीएस का आपको सपोर्ट मिल जाता है।
रियर टायर देखेंगे जो कि आपको 130 सेक्शन का दिया गया है और यहाँ पे भी आपको 17 इंचेस के आपको रेड कलर के साथ आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। बड़ा सा आपको यहाँ पे टायर हगर दिया गया है जिसका कि आपको एडवांटेज रेनी सीजन में अच्छे से पता चलने वाला है। यहाँ पे देखे आपको बड़ा सा मैट स्लैब देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको मोनोक्रॉस टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको टोटली रेड कलर में दिए गए। जब गाड़ी का आप टोटली रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब्स दिए गए, इस जगह पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया। दोनों साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पे इसका एलईडी में टेल लाइट देख सकते हैं और इस जगह से आप इसका सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको की स्लॉट देखने को मिलता है। जब गाड़ी का आप लेफ्ट साइड आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सारी का ऑप्शन आपको पहले से मिल जाता है। लेडीज फुटेज पे आपको पहले से दिए गए, चेन आपको टोटली ओपन दिया गया। टायर में क्या हवा होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। इधर देखे आपको मिडिल स्टैंड और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड दोनों ही मिल जाते हैं और साइड स्टैंड में आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी फीचर्स दिया गया और इस गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है। कंसोल की ओर देखेंगे यहाँ पे आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया। इसे एक बार मैं ऑफ करता हूँ फिर से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गियर अप लिखा हुआ आ जाता है और साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो आपको हाई अपाचियन का भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ऊपर में देखें तो आपको टैकोमीटर दिए गए, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिलेंगे, ये आपको फ्यूल गेज दिया गया। डिजिटल में आपको यहाँ पे क्लॉक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गियर पुश इंडिकेटर मिल जाता है, साथ साथ इसमें आपको साइड स्टैंड लगे हुए उसके लिए आपको इंडिकेटर दिया गया और इसमें आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है जहाँ की आपको कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट और आपको मिस कॉल अलर्ट का भी फीचर्स मिल जाएगा। और इसको टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे दो बटन दिए गए। इस मेन्यू वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे ट्रिप वन मिल जाएगा, फिर से दबाएंगे तो आपको ट्रिप टू मिल जाता है। ये आप देखिए जो कि आपको लेफ्ट टाइमर मोड का ऑप्शन दिया गया, एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड मोड के भी ऑप्शन मिलेंगे और ये आप इसका देख सकते हैं जो कि आपको एवरेज स्पीड क्या है इस गाड़ी का वो आपको दिखाने वाली है। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेगा, साथ साथ इसमें आपको 3 राइडिंग मोड भी देखने को मिलेंगे। आप इसका अर्बन मोड देख सकते हैं और यहाँ से आप इसका मोड भी चेंज कर पाएंगे। आपका अर्बन मोड एक बार और दबाएंगे तो आपको स्पोर्ट मोड मिल जाएगा, फिर से दबाएंगे तो आपको यहाँ पे रैन मोड दिया गया है। ऊपर में देखें तो आपको यहाँ पे आरपीएम लिमिट के भी इंडिकेटर दिए गए हैं। की की ओर देखें तो आपको यहाँ पे दो की कंपनी की तरफ से मिलता है जो कि आपको टोटली वेव डिजाइन में दिया गया है। की को मैं यहीं पे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इसका सिंगल पीस हैंडल बार देख पाएंगे जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में दिए गए। स्विचेस की ओर देखा जाए तो आपको यहाँ पे लो बीम, आपको हाई बीम का स्विच, यहाँ पे आपको आई बटन दिया गया जिससे आप इसके मीटर को टॉगल कर पाएंगे और अपने ब्लूटूथ इसे आप कनेक्ट कर पाएंगे मोबाइल को। और आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का स्विच, ये आपका हॉर्न का स्विच, डुअल हॉर्न ही देखने को मिलेंगे। साउंड आपको सफिशियंट देखने को मिलता है। और इस जगह पे देखें तो आपको यहाँ पे पासिंग के भी बटन देखने को मिल जाते हैं और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लीवर जो कि आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल के साथ इसका लीवर देखने को मिलता है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया, यहाँ पे आपको मोड चेंज करने के लिए जो आपको मैंने बता दिया इसका जो लाइट है उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर पाएंगे और इस जगह से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, इसका मैं आपको साउंड को चेकआउट कराता हूँ। तो अभी गाइस जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, अफकोर्स आपको इंजन में अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी का जो वजन है जो कि आपको मात्र 146 केजी रखा गया है, आपको ज्यादा भारी फील नहीं होने वाला है जिससे कोई भी आदमी इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकता है। और इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 800 mm का रखा गया है। एक बार मैं आपको इस पे बैठ के दिखाता हूँ कि आपका हाइट क्या होना चाहिए। मेरा जो हाइट है जो कि आपको 5.5 इंचेस है और दोनों साइड आप मेरा पैर देख पाएंगे जो कि कंफर्टेबली अट चुका है। मुझे ऐसा चीज़ें चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और जो सीटिंग पोजिशन मिलता है जो कि आप टोटली स्ट्रेट बैठते हैं, ना ही आपके हाथ में दर्द होगा और ना ही आपके कंधे पे दर्द होगा जब इस गाड़ी को आप लंबे समय के लिए भी राइड करेंगे। तो अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। ये आपका सबसे टॉप मॉडल है जिसमें कि आपको डुअल डिस्क देखने को मिलता है और ये आपका टोटली न्यू कलर है, जिस वजह से इस गाड़ी का अभी का कीमत है जो कि आपको 1,66,000 रुपए रखा गया है, मतलब कि 1,66,000 रुपीज। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको कंकरेंट टीवीएस पे आपको ए प्राइस रखा गया है। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने गाइस इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तब को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।